पूर्णिमा को लगने जा रहा है चंद्र ग्रहण। 26 मई को है वैशाख पूर्णिमा। 12 राशियों पर क्या पड़ेगा वैशाख पूर्णिमा का असर? इस बार का चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। ये दोपहर 2:17 से शुरू होगा और शाम 7:19 पर खत्म होगा। इस बार लगने वाले चंद्र ग्रहण के प्रभाव से कुछ राशियों को धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। चलिए बताते हैं ऐसी कौन सी राशियां हैं जिन्हें धन का लाभ हो सकता है। मेष राशि। इस राशि के जातकों को पैसों के मामले में अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। मानसिक तनाव रहेगा, अपने और माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। वृष राशि। इस राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण के कारण आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन साथ ही खर्च भी अधिक हो सकता है, इसलिए बजट बनाए रखें। मिथुन राशि। इस बार का चंद्र ग्रहण मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ फल देने जा रहा है। कुछ अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि। इस राशि के जातकों को व्यापार में लाभ मिल सकता है। दूसरों की बातों में आने से बचें, अपने भीतर छिपे प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अपने अचेतन मन की सुनें। सिंह राशि। इस राशि के लोगों पर चंद्र ग्रहण का अनुकूल प्रभाव देखने को मिल सकता है, आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी। कन्या राशि। इस राशि के लोग आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे, नौकरी में वृद्धि हो सकती है, भाग्य मजबूत होगा और आर्थिक लाभ मिलेगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से बचें। तुला राशि। इस राशि के जातकों को आर्थिक नुकसान हो सकता है, पैसा उधार देने से बचें, किसी नए काम में निवेश करने से बचना चाहिए, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। वृश्चिक राशि। इस दौरान वृश्चिक राशि के लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, मानसिक तनाव से बचे रहें, मेडिटेशन करने से मानसिक तनाव से छुटकारा मिल सकता है। धनु राशि। इस राशि के लोगों को वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत है, आर्थिक नुकसान की आशंका है, अनिद्रा की समस्या हो सकती है। मकर राशि। इस राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है, सफलता के नए रास्ते खुलेंगे, पार्टनर के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं, धैर्य रखें और ध्यान का अभ्यास करें। कुंभ राशि। इस राशि के लोगों को व्यापार में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए कार्यस्थल पर सामंजस्य बनाए रखें। मीन राशि। इस राशि के जातकों को बड़े बदलाव करने से बचना चाहिए, परिवारजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है, वाद विवाद करने से बचें, बातचीत से गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करें। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।